तो हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, क्योंकि बहुत दिनों से एलडी प्लेयर में ये प्रॉब्लम हो रहा है। और जो लोग मेरा बात सुन के एलडी प्लेयर को इंस्टॉल किए हो और एलडी प्लेयर में फ्री फायर खेल रहे हो, तो उन लोगों को भी ये सेम प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाइस, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा सब्सक्राइबर लोग को, मेरा भाई लोग को कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आ गया हूँ। तो गाइस, प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, सब कुछ मैं आज आपको बताऊँगा। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगना तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते शुरू। सो गाइस, प्रॉब्लम क्या है, बहुत दिन मतलब कुछ दिन पहले जब फ्री फायर का अपडेट आया था, ओबी जो भी हो कोई एक अपडेट आया था फ्री फायर का, तब से लेके आज तक मुझे ये प्रॉब्लम हर रोज फेस करना पड़ता है। क्या प्रॉब्लम है गाइस, जब भी आप एलडी प्लेयर ओपन करके फ्री फायर ओपन करते हो ना, तो गाइस आपके सामने ऐसा एक ब्लैक स्क्रीन आ जाता है, और तकरीबन 20 से लेकर 30 सेकंड आपका ये स्क्रीन रहता है, फिर आपका जाके फ्री फायर ओपन होता है गाइस। तो गाइस, ये बहुत ही एक बड़ा प्रॉब्लम है गाइस, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो। तो गाइस, मैंने बहुत सारा सेटिंग किया, बहुत रिसर्च किया, लेकिन इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। क्योंकि गाइस, ये एक एलडी प्लेयर का अपडेट, एलडी प्लेयर का एक अपडेट आया था, फ्री फायर का अपडेट की वजह से नहीं हुआ, एलडी प्लेयर का एक अपडेट आया था, उस अपडेट के बाद में ये हो रहा है गाइस, ठीक है। और गाइस, आप अगर देख सकते हो कितना देर बाद ओपन हुआ गरीना फ्री फायर, ठीक है। तो गाइस, अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को देखना पूरा, तो ही आपको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा गाइस। तो गाइस, एलडी प्लेयर में बहुत सारा ग्लिच व्लिच हो रहा है इस अपडेट के बाद में, इसलिए मैंने सोचा कि आपको दिया जाए एक नया इमुलेटर, जिसमें कि आप एकदम लैग फिक्स वे में फ्री फायर खेल सको। सो गाइस, हाँ गाइस, एलडी प्लेयर आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपका अगर कोई इशू नहीं है लेट लॉबी या फिर लेट ओपन होना गेम को, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, तो आप एलडी प्लेयर यूज़ कर सकते हो, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन गाइस, मेरा प्रॉब्लम होता है अगर लेट से ओपन होता है, और मेरा बहुत सारे भाई लोग को भी प्रॉब्लम होता है, आई होप होता है, इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ गाइस। तो गाइस, क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली कुछ नहीं गाइस, एलडी प्लेयर को रहना तो अपने जगह में, और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना पड़ेगा। ओपन कर लेने के बाद आपको सिंपली ऐप पर सर्च करना पड़ेगा BlueStack 5 डाउनलोड फॉर PC। सर्च कर लेने के बाद यहाँ पर आपका पहला जो लिंक आएगा वहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो गाइस, BlueStack के नाम सुन के भागवा जाना, क्योंकि गाइस ये BlueStack 4 नहीं है गाइस, ठीक है, ये BlueStack 5 है। और BlueStack ने बेसिकली ये लॉन्च किया है लो एंड PC के लिए, यहाँ पर आपका 1 GB 2 GB रैम में भी आप फ्री फायर खेल सकते हो, बहुत स्मूथली खेल सकते हो। और मैंने अपना एक दोस्त का PC में खेला भी है, उसका 1 GB रैम है और डुअल कोर प्रोसेसर है, और उसका कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, ठीक है गाइस, उसमें मैं फ्री फायर खेला हूँ, थोड़ा बहुत लैग होता है लेकिन खेल सकते हो। लेकिन गाइस, अगर आपका एक 4 कोर वाला प्रोसेसर है तो आप आराम से खेल सकते हो, 2 GB रैम है तो आप आराम से खेल सकते हो, ठीक है गाइस, कोई भी लैग का इशू नहीं होगा। तो गाइस, सिंपली आपको यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर डाउनलोड BlueStack 5 में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सेव एस कर लेना पड़ेगा, आप जहाँ पर भी सेव करना चाहते हो, एक इंस्टॉलर है गाइस। सो इसको डाउनलोड कर लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर राइट क्लिक करके रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा, और इसको ओपन कर लेना पड़ेगा गाइस, ठीक है। और यहाँ पर से आपका डाउनलोड होगा एक फाइल, तो गाइस इंस्टॉल नाउ करके इसको आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा गाइस, ठीक। सो गाइस, डाउनलोड हो जाने के बाद आपका एक फाइल एक्सट्रैक्ट होगा, और इसमें भी कुछ टाइम लगेगा, सो गाइस वेट करो। तो गाइस, फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो कुछ सेटिंग कर लेना पड़ेगा, बेसिक से सेटिंग, और इसका भी सेटिंग मैं लाऊंगा जिससे कि आप एकदम हाई FPS में गेम खेल सको, यहाँ पर भी एलडी प्लेयर के जैसे। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका अगर 4 कोर है ना, तो यहाँ पर आपको 2 कोर कर देना, ठीक है, और अगर 2 कोर है तो भी 2 कोर करना, ठीक है, और अगर आपके 1 कोर है तो 1 कोर कर देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 कोर है तो भी 2 कोर करना, और 2 कोर है तो भी 2 कोर करना, ठीक है। और यहाँ पर मेमोरी में जाके यहाँ पर 2 GB रैम कर देना, अगर आपका 4 GB है तो भी 2 GB करना, अगर आपका 2 GB है तो भी 2 GB करना, और 1 GB है तो 1 GB कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और यहाँ पर ये दोनों सेटिंग करके आप सिंपली यहाँ पर सेव कर देना, और यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड करने को बोलेगा, आप सिंपली इसको रजिस्टर्ड कर देना गाइस, ठीक है।
तो भाई रिस्टार्ट हो जाने के बाद आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आएगा। आप सिंपली यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन कर लेना, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको साइनिंग करना को बोलेगा। आप सिंपली यहाँ पर साइनिंग कर लेना, ठीक है गाइस। तो गाइस साइनिंग कर लेने के बाद आपको सिंपली प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको सिंपली सर्च कर लेना पड़ेगा फ्री फायर, आपको तो पता ही होगा, और सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा गाइस। तो गाइस अब आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर कैसा स्मूथ गेम प्ले रिकॉर्ड होता है, और मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ प्लस गेम भी खेलो, कितना स्मूथ चलेगा आपको दिखाऊंगा गाइस। और यहाँ पर का सेंसिविटी वेंसिविटी तो बहुत ही ओपी वाला है गाइस, और क्या बताऊँ गाइस, यहाँ पर इस ये मेनली बनाया गया है लो एंड पीसी के लिए गाइस, क्योंकि ब्लूस्टेक 4G है वो बहुत ही हाई डिमांडेबल पीसी में चलता है। और गाइस जो लोग हमारे जैसे बजट गेमर है, जिनके पास हाई एंड कोई पीसी भी नहीं है, एक लो एंड पीसी है, तो वो भी फ्री फायर खेल सकते हो यहाँ पर गाइस। बहुत ही अच्छा वाला ऐप है ब्लू स्टैक 5, मैंने भी यूज़ किया है कुछ दिन और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन एलडी प्लेयर में मैं कंफर्टेबल हूँ इसलिए मैं एलडी प्लेयर ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि कुछ दिन बाद एलडी प्लेयर में भी वो वाला प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, तो आप आराम से एलडी प्लेयर यूज़ कर सकते हो, लेकिन तब तक के लिए आप ब्लू स्टैक 5 यूज़ कर सकते हो गाइस। और मैं आपको दिखाऊंगा कितना स्मूथ गेम प्ले रिकॉर्ड है, कितना स्मूथ गाइस, ठीक है। और इसको इंस्टॉल होने दो, फिर बात करते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारा फ्री फायर जो इंस्टॉल हो गया है, तो गाइस आप मैं सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ, और गाइस देखो कितना फास्ट ओपन होगा गाइस। तो गाइस देख सकते हो कितना फास्ट ओपन हो गया है, 4 से 5 सेकेंड टाइम लिया और फिर ओपन हो गया है गाइस, ठीक है। और मैं आपको एक गेम प्ले करके भी दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो वीडियो को स्किप करते हैं और डायरेक्ट जाते हैं गेम प्ले में। सो गाइस यहाँ पर हमारा गेम प्ले ओपन हो गया है गाइस, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस मेरा रिकॉर्डिंग चालू है, और प्लस मैं गेम खेल रहा हूँ कितना स्मूथली, और मेरा पूरा अल्ट्रा ग्राफिक शेडो मेडो मोड सब कुछ ऑन है गाइस, ठीक है, सब कुछ ऑन है।